एक तो तुम्हारे मैंने समझ में नहीं आता किस दुनिया की मखलूक हो तुम लोग। ये हमदर्दी ने इसमें पता नहीं क्या जज्बात जगा दिए हैं। हमदर्दी जज्बात? ये सब जो हमने इतना टाइम गुजारा ये सब हमदर्दी थी सिर्फ? आर्यन मैंने चार्ज किया आपका इलाज के लिए, पैसे लिए मैंने। अरे यार तुम लोग दोस्त तो हो ही ना, तो फिर ये पैसा ना पैसे कहाँ से आ गए बीच में? बीच में तो दोस्ती आई है। यार क्या हो गया तुझे? इधर देख इधर देख, मर्द रोते नहीं है। मर्द रोते नहीं है, मर्द रुलाते नहीं है, क्यों? मर्द के इंसान नहीं होते, मर्द के एहसास ही होते हैं। मर्द औरत को मारे, उसकी नफी करे तो वो जुल्म है, और औरत के पास तो पूरा हक है। मर्द के दिल के टुकड़े टुकड़े करके चली जाए। अरे अब तू क्यों रो रहे? मर्द को रोते नहीं है यार, तेरी कोई नफी नहीं कर सकता, ना उर्वा ना मैं और ना तू। बिरयानी का सहारा लेंगे तो भूख भी लग रही है। बिरयानी खाते हैं, उर्वा से तो 10 गुना अच्छी बिरयानी। चल चल। तो फिर क्या सोचा तुमने? इसमें सोचने वाली क्या बात है? यार मैंने तुम्हारी बात मान तो ली थी। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुमने पता नहीं क्यों ओवर रिएक्ट किया। मैं तो वही समझा जो मैंने सुना। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम गिर जाते फिर? फिर क्या होता, मैं मर जाता। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे? वो जो अल्लाह चाहता है वो तो तुम मान नहीं रही। और तुम्हारे ख्याल में अल्लाह क्या चाहता है? इतना सब होने के बावजूद भी तुम मेरे से ये पूछ रहे हो कि अल्लाह क्या चाहता है, तुम्हें नहीं पता इस बारे में? अजान की गाड़ी हमारा कब से पीछा कर रही है? क्या पता उसकी भी वही मंजिल हो जो हमारी है। खैर तुम टेंशन नहीं लो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा म्यूजिक प्ले करता हूँ, अच्छा हो जाएगा। ओके। खबर चाहिए? शर्फू भाई, शर्फू भाई, यार सारिन किधर है? मैं जोशी थोड़ी हूँ जो मुझे पता होगा। शर्फू भाई यार प्लीज बता देना। मैं तुम लोगों के साथ मसला क्या है? आर्यन उर्वा को ढूंढ रहा है, उर्वा सारिन के साथ है, सारिन को तुम ढूंढ रही हो, सारिन का पता नहीं है। कॉल कर लो भाई, फजूल की साइंसदान। मेरी साइंस को आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और वैसे भी मेरी साइंस को आपको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। ओ गुस्सा आ रहा है, मुक्का मारो और नक्सीर पार दो। क्या क्या बातें कर रहे हैं आप? आपको पता है मैं सारिन को कब से ढूंढ रही हूँ? कैंटीन आई तो कैंटीन से जा चुका था, क्लासेस हो नहीं रही है तो वहाँ कहाँ ढूंढूंगी, अब क्या लड़कों के बाथरूम में घुस जाऊंगी मैं? मिल गया जवाब। क्या? वॉशरूम में। थोड़ा सब्र कर लो, उसको तो कोई बंद भी नहीं कर सकता। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है? पेट खराब हो गया होगा, बदहजमी हो गई होगी, ORS पिलाओ सही हो जाएगा। आपको ज्यादा डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? शिमी के साथ रह रहे के शर्मू भी डॉक्टर बन ही गया है। शिमी कौन है? मेरी बहन शिमाइला। हाँ अच्छा ठीक है। दी उलझी भी क्यों? यार शर्मू भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको पता 2 दिन बाद ड्रामा है और हमने ड्रामे की प्रैक्टिस ही नहीं की, कब करेंगे हम प्रैक्टिस? प्रैक्टिस क्या करनी है, अपने डायलॉग याद करो, फटाफट बोल दो। वैसे डायरेक्टर कौन है? आर्यन। राइटर कौन है? वो भी आर्यानी है। तो एक्टिंग भी वही कर रहा होगा। मेरा मतलब है जब सब कुछ वो कर रहा है तो जाके उसका दिमाग खाओ ना, शर्फू का दिमाग क्यों खा रही हो? वैसे ही काम धंधा है नहीं और तुम लोगों की चुपन चुपाई खत्म नहीं हो रही। चाहिए छोड़े, मुझे ये बता दें कि वो अपना अलीजे और अजान की तरह वही मिल जाए मुझे। तोते से फाल निकालता हूँ, पता कराता हूँ। यार आप, मैं आज की बात ना आपसे कभी कुछ भी नहीं पूछूंगी, आप देख लीजिएगा। पक्का? पक्का। सोच लो। सोच लिया। अब जो सोचा है ना उसमें से 20 फकीर को दे दो। क्या हो गया? मेरी साइंस कहती है मैं तो कुछ भी। तुम्हारी साइंस आजकल कुछ ज्यादा एतराज नहीं कर रही है?
आप ना कॉल उठाओ। हेलो, तुम्हारे हाथ की चाय पीकर मजा आ गया। तुमने बिला वजह ही लड़ाई कर ली थी मुझसे। क्या करते, उस वक्त में परेशान बहुत थे। खैर छोड़ो इस बात को, ये बताओ काम कैसा चल रहा है? खुदा का शुक्र है काम ठीक चल रहा है। मेजर साहब ने बहुत साथ दिया। इतनी पुरानी दोस्ती जो, असल में रूहान के जाने के बाद मैं बहुत अपसेट हो गई थी, काम पर तवज्जो ही नहीं दे पा रही थी। अकाउंट्स के लिए एक लड़का भी मैंने हायर किया था, लेकिन उसे भी दुबई जाना पड़ गया। रूहान को वहां पे उसकी जरूरत थी, इसलिए मेजर साहब ने बहुत ख्याल रखा। मेरी किसी हेल्प की जरूरत हो तो जरूर बताना। थैंक यू सो मच, तुमने मुझसे पूछा इतना ही काफी है। एक बात कहूं अगर बुरा नहीं मानो तो? हाँ हाँ कहो, तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानूंगी मैं? तुम शादी कर लो। क्या शादी? और मैं? कैसी बातें कर रही हो यार। हाँ मैं तुम्हारे लिए रिश्ता देखती हूँ। तुम रिश्ता देखोगी मेरे लिए? पर जाना पोता पोतियों को खिलाने की उम्र है मेरी, शादी करने की नहीं। प्लीज खालिद भाई को देखो, हर साल धूमधाम से अपनी नई शादी करते हैं। वो आदमी है, आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुल्हन तो औरत ही होती है ना। तो मुझे काफी सीरियस लग रही हो। वो तो मैं हूँ, मेरी बात गौर से सुनो, ऐसे अकेले जिंदगी नहीं गुजर सकती। फरजाना, जब इस बारे में मैंने जवानी में नहीं सोचा तो अब कैसे सोच सकती हूँ? रहने दो, बुढ़ापे में किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है, तुम्हें इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। तुम कह रही हो तो सोचूंगी। जरूर सोचना। अच्छा चाय तो पियो। इतना मुकद्दस नाम है मेरा और तो मेरा मजाक उड़ा रही है। अरे तो हाँ बाबा, समझ जाऊंगी कि क्या मतलब है तुम्हारे नाम का। अच्छा वो मैंने बात तुमसे ये करनी थी कि जब मैं माय गॉड, इतनी सुबह सुबह वैसे बारात के पटाखे तो नहीं हो सकते, ये क्या हो गया? अनीश भाई पटाखे नहीं है, फायर की आवाज। ये बहुत करीब से फायर, अल्लाह रहम करे। लगता है बहुत हालात फिर से खराब हो गए। पहले अल्लाह अल्लाह करके बेहतर हुए थे, अब दोबारा खराब हो गए ना, अब संभल नहीं पाएंगे। मैंने मैट्रिक के पर्चे दिए थे ना, उस वक्त भी बहुत हड़तालें होती थी। हाँ मुझे भी वो टाइम याद है यार बाबू, तो पैदा भी नहीं हुआ था यार। मैं भी 1 क्लास में था, क्या हो गया है? अरे तुम्हें पता चला वो फायर खुला है? किस पर? अलीजे और अजान पे। हाँ चलो तुम्हें खेत। तुम्हारी किसी से दुश्मनी तो नहीं है? नहीं तो तुम्हारे वालिद की? तो 30 साल से यूके में है, उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? अजीब बात है ना यार, हमारी भी दुश्मनी नहीं है, तुम्हारे डैड की भी दुश्मनी नहीं है, कुछ लोगों पर फायरिंग। कहीं अलीजे की तो हो सकता है, क्योंकि अंकल भी तो फौज में थे, शायद उनकी किसी से दुश्मनी हो। अंकल से पूछें? नहीं अभी हम उनसे बात नहीं कर सकते, पहले वो सोफिया से बात कर ले, बाद में हम बात करें। अजान,
करे खुदा का, तुम ठीक हो? डोंट वरी, आई एम ओके। पता, मैं लाइब्रेरी में थी, मुझे पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। सारी स्टोरी पता चली और फिर तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना पक्का? देखो, तुम्हारी दुआएं मेरे साथ हैं, कोई कैसे मेरा भी बिगाड़ सकता है। मैं इतना परेशान हो गई थी यार, पक्का ना? वैसे मुझे नहीं था लगता तो मेरे लिए इतनी परेशान हो जाऊंगा। जाहिर सी बात है, अगर तुम्हें लग जाती तो? लगी तो नहीं ना, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, परेशान मत। नहीं, अलीजे किधर है? तुम अलीजे से नहीं मिली? नहीं, कहाँ है? वो अंकल के साथ मिस सोफिया के पास गई है, अभी अभी तो गई है। अच्छा, अभी मैं जाके मिलती हूँ उससे। चलो। हाँ, चलो 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 चलो। यार, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है क्या सारा चक्कर चल रहा है। कभी तू फंस जाता है, अब बेचारा ये अजान ये लपेटे में आ गया। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, आखिर हो क्या रहा है ये? टेंशन ना ले यार, कर्नल साहब ने बोला तो था कि वो पता करवा लेंगे। सीसीटीवी फुटेज से पता चल जाएगा कि कौन सी गाड़ी थी वो। तो तुझे पता है, लीजे मुझे बता रही थी बेचारों का बहुत देर तक पीछा किया था। ये सब कुछ ना एक प्लान के तहत हुआ है मुझे। यार, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कौन कर सकता है। बुरैन, बुरैन, तुम पागल हुई हो? बुरैन ऐसा क्यों करेगी? उसने पहले तुम्हें रूहान से पिटवाया, तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकलवाया, फिर तुम्हारा अगवा करवाया, और यहाँ तक के क्या पता शानी मानी को उसी ने कहा हो कि तुम्हें फंसा दें। कैसी बात कर रही हो लीजे, वरना ऐसा नहीं कर सकती, मैं उसको जानता हूँ। अच्छा, तो सारी चीजों को ना लिंकअप करो। जब से मेरी अजान से दोस्ती हुई है, अजान के साथ ही सब कुछ क्यों हो रहा है? तुम्हारा मतलब क्या है, वरना मनूस है? यार देखो, ये बात मैं नहीं मान सकता। अच्छा, एक बात बताओ, जब मैं रूहान के करीब गई, उसने मुझे प्रपोज किया, तभी क्यों हुरैन ने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया और उसकी वजह से रूहान मुझसे दूर चला गया? ऐसा हुआ कि नहीं? हाँ, लेकिन इस सब का से क्या लेना देना है? और जब अजान मेरे करीब होने की कोशिश कर रहा है, तो हुरैन का एटीट्यूड देखा है ना तुम लोगों ने, किस तरीके से बिहेव कर रही है वो, करिए कि नहीं? हाँ। या मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे तो कभी कुछ समझ नहीं आता, जब सारी बातें साफ साफ है। यार, वो मेरे और अजान के बीच में आने की कोशिश कर रही है, और वैसे भी मेरे डैड की ना किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, हुरैन जरूर मेरी दुश्मन बन गई। देखो बेटा, बेहतर तो यही हुआ कि तुम अपने वाले साहब को बता दो। अंकल डैड बहुत दूर बैठे हैं, वो परेशान हो जाएंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो वाकया तुम उनसे छुपा रहे हो, कुछ ऐसा ही वो भी तुमको ना बता रहे हो। वैसे पैसे वाले लोगों के बिजनेस की वजह से बहुत सी दुश्मनियां होती हैं। हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद डैड को कॉल करता हूँ। लेकिन अंकल प्लीज, आप डैड से बात कीजिएगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। देखो बेटा, मैं बात करूंगा तो हो सकता है वो परेशान हो जाए, अच्छा नहीं लगेगा। अब तुम एक काम करो ना, तुम वीडियो कॉल कर लो, तुम्हें देख लेंगे तो उनको तसल्ली हो जाएगी। हाँ बेटा, यही बेहतर हल है उसका। चलिए ठीक है, ऐसे कर लो। Excuse me. मैं नहीं आ सकता यार, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, पता नहीं यार कौन लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े। ट्रैवल,
पापा मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। बेटा परेशान मत हो, मेजर अंकल ढूंढ के निकाल देंगे। आप अजान को संभाल, हौसला दो उसे। पता है ये जो बाहर के मुमालिक से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं ये बहुत हसास होते हैं, डर जाते हैं। आप अजान को संभालो, कहीं वो डर ना जाए। जी मैं समझ सकती हूँ। और आप भी परेशान मत हो, अजान को हौसला दो, उसको बताओ कि ये जो कुछ भी हुआ है ये गलतफहमी का नतीजा भी तो हो सकता है। बिल्कुल मत करता है। जी ठीक है। रुक जा, मैं अजान को अभी कॉल मिलाती हूँ। अलीज़े की कॉल। कहाँ हो तुम? और रैन के घर। क्यों तो मुझे पिक करने क्यों नहीं आ रहे हो? नहीं यार, नहीं आ सकता। तुम वाकई मुझे पिक करने नहीं आ रहे? ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं नहीं आ सकता। और तुम वहां गई क्यों थी? अपने घर रहती ना। अच्छा मेरी जरा हुरैन से बात कराना। अच्छा होल्ड करो, मैं बाहर हूँ, वो अंदर है, मैं जाके बात करा। हुरैन, हुरैन। देखा तुम लोगों ने, मुझे पता है अब मुझकी ना कॉल नहीं आएगी। अब क्या हुआ, क्यों आवाज दे रहे थे? वो अलीज़े का फोन था, वो तुमसे बात करना चाह रही थी लेकिन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। अच्छा अच्छा, यकीनन वो बेचारी भी परेशान हो गई होगी। कल तुम हुरैन के साथ क्या कर रहे थे? मैं हमदानी अंकल से मिलने गया था। बट ये केस तो डेड देख रहे हैं ना, तो तुम हमदानी अंकल से मिलने क्यों गए थे? अब जो हुआ सो हुआ, एक काम करते हैं, मैं और तुम कुछ दिन बाद नहीं करते, खुद ही सब कुछ ठीक हो जाएगा।